यमुनानगर में स्थापित हथनी कुंड बैराज की हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में पानी के बंटवारे को लेकर मुख्य भूमिका रहती है। पहाड़ी इलाकों में वर्षा के बाद हथनी कुंड बैराज पर पानी का स्तर बढ़ जाता है। अब से पहले हथनी कुंड बैराज पर यमुना का जल स्तर 70,000 क्यूसेक होने के बाद हरियाणा व उत्तर प्रदेश की नहरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी जाती थी, जिसके बाद हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कई जिले पानी के संकट से प्रभावित होते थे। लेकिन अब CWC की बैठक में 70,000 की जगह 1,00,000 क्यूसेक पानी होने पर हरियाणा व उत्तर प्रदेश की नहरों में सप्लाई बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि हरियाणा के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद करने पर काफी नुकसान होता था, जिसके चलते काफी समय से यमुना का जल स्तर और अधिक बढ़ने पर सप्लाई बंद किए जाने की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि अब 1,00,000 क्यूसेक पानी होने के बाद ही हरियाणा व उत्तर प्रदेश की नहरों की सप्लाई बंद की जाएगी। हमारा जो प्रोसेस था 70,000 क्यूसेक जब हमारा पानी आ जाता था उस समय हम WJC और DJC को बंद कर देते थे, पर इस बार एक डेढ़ एक महीना पहले एक मीटिंग हुई थी CWC के, वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उस समय इशू उठा था और बार बार हमारे डिपार्टमेंट्स में भी आती है भी जैसे ही पानी होता हम इसको 70,000 को क्यों ना कुछ बढ़ाएं, 1,50,000 करें, 2,00,000 करें, ताकि जब पानी अवेलेबल होता है नीचे साउथ हरियाणा का रिक्वायरमेंट होती है हम पानी अपना चैनल में चला पाए। तो इस बार उनसे डिस्कस करके हमने 1,00,000 क्यूसिक तक की वो करवाने की, तो इस बार हम उसको जो बंद करेंगे अपने गेट्स को WJC और DJC में सप्लाई, जब 1,00,000 क्यूसिक पानी हमारा आ जाएगा तब हम उसको करेंगे। और जो इससे ऊपर में पानी आएगा 1,50,000 क्यूसिक तो उसको हम मीडियम फ्लड की सिचुएशन बोलते हैं, और जो 2,50,000 क्यूसिक से ऊपर पानी आ जाता है उसको हम हाई फ्लड की सिचुएशन बोलते हैं। और उस पोजिशन में हम एडमिनिस्ट्रेशन को और कंसर्न को सभी को इंटीमेशन पहले दे देते हैं, ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर और टेलीफोनिकली। हरियाणा में मानसून दस्तक दे चुका है लेकिन अभी भी बाढ़ रोकथाम के कार्य पूरे नहीं हुए हैं। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यमुनानगर जिला के 31 बाढ़ रोकथाम कार्यों की मंजूरी मिली थी, जिसमें से 17 कार्य पूरे हो चुके हैं, बाकी पर काम जारी है और 30 जून तक अधिकांश काम निपटा लिया जाएगा, लेकिन कुछ कार्य 6 से 7 जुलाई तक ही पूरे हो पाएंगे। मीटिंग हुई थी उसमें हमारे 31 काम टोटल यमुनानगर के हुए थे इस सर्कल के, जिसमें से 2 काम पंचकुला के, तो बाकी काम हमारे यहाँ के जिसको हमें 30 जून तक कंप्लीट करना होता है। तो हमारे सारे टेंडर वेंडर सब हो चुके थे और उसमें से 17 काम आज के दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो काम है उन पर काम चल रहा है। एक दो काम जरूर है जिसमें हमें लगता है कि हमारा 6-7 तारीख तक हमारा डेट जाएगी, बाकी सभी काम हमारे 30 जून से कम्प्लीट हो जाएंगे। यमुनानगर में बाढ़ हर साल तबाही मचाती है, यमुना के आसपास के कई इलाके प्रभावित होते हैं। इस बार दावा किया जा रहा है कि बाढ़ से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मानसून आ चुका है, देखना होगा इस बार सरकार तथा विभाग के क्या इंतजाम रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।